हम आपसे बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष को पहनने के कुछ रूल्स और नियम होते हैं। रुद्राक्ष यूं तो पहनना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर कोई रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। मैं आपको बता दूं कि रुद्राक्ष कहते हैं जब भगवान शिव तांडव करते हैं, और तांडव करते करते या क्रोध में आते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है, उनकी आंख से आंसू निकलता है, रुद्र उनका रोना निकलता है, और वो जाकर जब जमीन पे गिरा और गिरने से जो पेड़ पैदा हुआ उसे रुद्राक्ष कहते हैं। अब भगवान के अंग से एक बीज जब धरती पर गिरा, उससे कोई चीज पैदा हुई और उसे हम पहने, तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मजेदार कोट बताऊंगी। किसी ने आप में से मुझे कोट भेजा और बोला कि राखी जी आप इसे जरूर सुनाना, अगर खुद नहीं, खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है, अगर खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है। तो आप अभी तक अपने आप से हारे तो नहीं हो ना, और हारने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर वाई राखी आपको हारने दूंगी भी नहीं। क्या हुआ, ये प्यार नहीं करते, आपके बारे में सोचते नहीं है, खाना नहीं पूछते, इन्हें अपने मम्मी का ज्यादा ख्याल रहता है। इस तरह की अगर वहम आपको दिल में है तो हमेशा एक बात याद रखना कि पत्नी खाली पत्नी नहीं होती, किसी की बेटी भी होती है, किसी की भाभी भी होती है, किसी की नंद भी होती है, और उस किसी की दोस्त भी होती है, किसी की बॉस भी होती है। हर रिश्ते कई रूप होते हैं, एक इंसान कई रूप, उसके रंग रूप, जैसे पानी जिसमें मिलाओ लगे उसके जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपके हस्बैंड आपकी बहुत केयर नहीं कर रहे हैं, अपने ससुराल वालों की केयर ज्यादा, मतलब आपके ससुराल वालों की केयर ज्यादा कर रहे हैं, अपनी बहन की माँ की, तो यू शुड हैव प्राउड फॉर दिस कि अधिकार ना छीन कर नहीं लिया जा सकता, नाराजगी या गुस्से से नहीं लिया जा सकता कि आप उन्हें हमेशा ताने देती रहें, नीचा दिखाती रहें और उनकी माँ से नफरत करती रहें। आपको अगर आपके हिस्से का प्यार नहीं मिल रहा तो अपने अंदर झांकिए, आप भी अपने हिस्से का प्यार देने में कोई कटुता, कोई कमी तो जरूर रख रही हैं, और वो कमी आपको पूरी करनी चाहिए, आपको उनका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। वो जितना ज्यादा ध्यान उनका रख रहे हैं आप उतना ध्यान उनका रखिए, क्योंकि प्यार के बदले में प्यार दो तो प्यार जरूर मिलता है, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और आपसे इस तरह की मजेदार बातें मैं ही करती हूँ। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष पहनने से हमें बहुत एनर्जीज और पावर मिलती हैं। अगर आप एक आम जीवन से हैं तो आपको अपने जिंदगी के अंदर रुद्राक्ष का महत्व समझना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने से बहुत धन आता है, पावरफुल धन आता है, लेकिन कब? पहला, रुद्राक्ष असली हो, दूसरा, रुद्राक्ष एक्टिव हो, आपके नाम से पूजित अभिमंत्रित हो तो और भी अच्छा है। रुद्राक्ष बहुत ज्यादा फल देता है, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। वैसे तो रुद्राक्ष उन्हें भी नहीं पहनना चाहिए जो अंडा खाते हैं, लेकिन चलिए अतिशोक्ति है, कोई कहता है मशीनों से अंडे बनते हैं, मशीनों से वेज है अंडे, तो कुछ अंडा खाने वाले लोग भी रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष को रात को सोते समय उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष आपको अपनी पत्नी के करीब जाते हुए या किसी तरह के शारीरिक संबंध बनाते हुए पहनना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। रुद्राक्ष को कभी काले धागे में नहीं, लाल धागे में, चांदी या सोने में पहनना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने का समय सोमवार होता है। रुद्राक्ष को हर सावन के महीने के अंदर चार्ज करवाना चाहिए अपने पंडितों से। जहां पर किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो और सूतक लगा हो वहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। जहां किसी का जन्म हो गया, सूतक पातक लगा हो, जन्म या मृत्यु हो गई हो, वहां पर रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। शमशान घाट में कभी रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए। अपने रुद्राक्ष किसी और को नहीं देने चाहिए। रुद्राक्ष जिस पर जाप कर रहे हो उसे गले में नहीं पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रखने से अपार धन की प्राप्ति होती है। लेकिन और क्या है 12 मुखी रुद्राक्ष की जुड़ी हुई खास इंफॉर्मेशन, ओए होए कि मजा ही आ जाए भाई, मजा ही आ जाए। अगर आपको ये जानना है तो अभी स्विच करिए मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैंने आज 12 मुखी रुद्राक्ष के जादुई चमत्कार आपको बताया। फिलहाल यहां मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।